फ्रेंड्स, आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा होने वाला है, बिकॉज ये पर्शियन कैट्स के ऊपर बेस्ड है। तो मैं आज आपको थोड़ा इलेबोरेट करके बताऊंगा कि इनका नेचर कैसा होता है और ये पेट आपके लिए सही है या नहीं है। ये वाली जो कैट्स होती हैं दिखने में बहुत ही क्यूट होती हैं और इनका नेचर जेंटल और डोसाइल होता है, मतलब एकदम फैमिली फ्रेंडली जिसको हम बोल सकते हैं ना, वैसा नेचर। और अगर आपकी फैमिली में किड्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ तो ये बिल्कुल सुपर फ्रेंडली होके रहेंगी। ये जो पेट है बहुत ही मतलब स्वीट सा पेट है, ये बहुत ही अच्छा पेट है। इसको अगर आप लेना चाहें, घर पे रखना चाहें, तो आप आराम से रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा पेट है ये। और स्टार्टिंग में जब आप इनको परचेज करके घर पे लेके आते हैं, तो ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास तभी आएंगे जब ये आपके ऊपर ट्रस्ट करती होंगी। और इंडिया में तो ईजिली अवेलेबल है, और आजकल तो वेराइटी बहुत ज़्यादा आ गई है मार्केट में कि आपको किस टाइप की चाहिए। कलर्स अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं। एडल्ट कैट चाहिए तो वो भी मिल जाती है, अगर आपको छोटा बच्चा चाहिए लाइक किटन, बेबी किटन चाहिए, तो वो भी आपको इजीली अवेलेबल है। तो ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है कि ये पेट्स अच्छे हैं या बुरे हैं, तो ये बहुत ही अच्छे पेट्स हैं। अब दूसरी बात के ऊपर आते हैं कि इनके फीचर्स के बारे में, इनके अंदर क्या क्या खासियत है। तो सबसे पहली बात जो पर्शियन कैट की, इनकी आइज बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, इनकी आँखें बड़ी बड़ी होती हैं, एंड इनके जो बाल हैं, इनके जो फर है वो भी बहुत ही खूबसूरत होती है, लंबे लंबे बाल। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है, इनके बाल और लंबे होते जाते हैं। और हाँ, आपको इनकी मेंटेनेंस के लिए एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको इनकी फर को डेली ब्रश करना पड़ेगा, कॉम करना पड़ेगा, वो भी अलग से अवेलेबल हो जाती है, जो पेट शॉप होती है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और इनकी जो आइज़ हैं वो आपको डेली बेसिस के ऊपर आपको रोज़ क्लीन करने पड़ेंगी, अदरवाइज़ इनकी आइज़ के पास ना कुछ ब्लैक ब्लैक जैसा वो जम जाता है, डस्ट टाइप जम जाता है कुछ। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि इनका स्वीट सा नेचर होता है, मतलब ये प्लेफुल टाइप की होती है, इनको खेलना कूदना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। दे लव इट, दे ट्रूली लव इट। जब आप इनको खुद से अपने हाथ में उठाओ और इनकी फर के ऊपर अपना हाथ ऐसे फेरो, इनको पेटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये एक ऐसा पेट है जो खुद को सेल्फ क्लीन करता रहता है। इनका जो मेजोरिटी टाइम होता है ये दो ही चीज़ों में अपना स्पेंड करती हैं, क्लीनिंग में और स्लीपिंग में। या तो ये खुद को क्लीन करती रहती है सारा दिन, और अदरवाइज ये सोती ही रहती है। और क्या आप ये बात जानते हैं कि अपनी लाइफ का 70% टाइम ये स्लीपिंग और क्लीनिंग में ही व्यतीत कर देती है। मान लीजिए कि अगर इनकी लाइफ जो है वो 10 साल है, तो उसमें से जो 7 साल है ना, वो क्लीनिंग में और स्लीपिंग में ही गवा देंगी, और बाकी जो खाना खाना, बाकी अदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए सिर्फ 3 साल बचते हैं इनके पास। अगर इनको एक लेज़ी पेट कहा जाए तो वो भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सचमुच ही लेज़ी होती हैं। अगर आप लाइफ में इनको कभी परचेज करते हो या रखने की सोचते हो, तो बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब आप इसको परचेज कर रहे हो तो साथ में एक स्क्रैचिंग पैड आता है, आप वो पक्का परचेज कर लीजिए, क्योंकि इनको हैबिट होती है स्क्रैच करने की। अगर आपने स्क्रैचिंग पैड नहीं लिया तो आपके योगा मैट और सोफ़ा दोनों स्क्रैच हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना।